नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादरा के प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित हुआ वन भोजन का कार्यक्रम, बच्चों में काफी उत्साह देखी गई। पेश है ये रिपोर्ट। जी, जिस तरह से आज यहाँ पे वन भोजन का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है और किस तरह से आप लोग यहाँ पर वन भोजन को एंजॉय कर रही हैं? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी डेली रूटीन से टीचर्स भी हमारी परेशान हो जाती है और हमें भी पढ़ाई, मतलब हम थोड़े ये हो जाते, तो फिर यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, हमें प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है जिससे कि हम थोड़ा ज्ञान ले सकें, तो फिर हमें अच्छा लग रहा है। वन भोजन का आयोजन किया गया, कैसा लग रहा है यहाँ पर सभी लोग, आप लोग आए हुए हैं पूरे बच्चे लोग? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हम अपने डेली रूटीन से थोड़ा फ्री होके फ्रेश हो गए यहाँ पे आके, टीचर को भी थोड़ा फ्रेश माहौल मिला और यहाँ पे प्रकृति के ये में आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम काकोली सिंह है और मैं 8th B में पढ़ती हूँ। आप किस स्कूल से हैं और क्या संदेश तमाम बच्चों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए देना चाहेंगे? मैं प्राइमरी स्कूल दादरा इंग्लिश मीडियम से आया हूँ। स्कूल से हमें ये दादरा गार्डन लाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, नेचर को अच्छे से फील कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब भी अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को ये करना चाहिए कि सारी जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब जितनी भी स्कूल है, कि सबको ऐसे नेचर में लाके नेचर में लाके हमें ऐसे बताना चाहिए कि नेचर से क्या हो सकता है, मतलब कि बहुत अच्छा फील है, यहाँ से मानसिकता की बढ़ती है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को ये स्कीम सब जगह लाना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव यह है लोगों के लिए और बच्चों के लिए? आज हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम PS इंग्लिश मीडियम दादरा में 1 से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का वन भोजन आयोजन किया है। एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस एक्टिविटी और सेलिब्रेशन भी होता है। जैसे कि हमारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे ज़्यादा हैं, तो हमने 1 से 5th स्टैंडर्ड के ही बच्चों को आज डिसाइड किया लेने के लिए, और 6th to 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को हमने दूसरे दिन रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते तो उसको संभालना में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और उनको इंजॉय भी नहीं कर पाते। पर आज हम लोग यहाँ पे है, हमारे सब सरपंच मेंबर्स और ग्राम पंचायत के मेंबर्स सभी को यहाँ पे इनवाइटेड किया है, ताकि इस बच्चों में जो इंजॉयमेंट है और जो बोलते खुशी की भावना रहती है कि चलो आज हमें गार्डन जाना है, घूमना है, खाना है, थोड़ा इसमें से मिड डे मील सब मिलता ही है, पर उसके अलावा भी उन लोग को 2-3 चीज़ हमको मतलब मैं देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो खुश हो जाए। जैसे पिकनिक लेके जाते हैं तो कैसे बच्चे इंजॉय करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग ने ये वन भोजन का भी आयोजन किया है, ताकि बच्चे थोड़ा डिफरेंट फील करें, स्कूल के माहौल में से आए, थोड़ा एनर्जेटिक हुए, थोड़े एंथुजियास्टिक हुए ज़्यादा। और मैं यहाँ पे सभी मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स, पंचायत के मेंबर्स को, दादरा के पंचायत मेंबर्स का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि हमारे एक फ़ोन से, कॉल से वो लोग कोई भी प्रोग्राम हो हमारा, तुरंत वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कभी ना नहीं बोलते हैं, तो इस चीज़ की मेरे को बहुत ही
बहुत ही मतलब खुशी रहती है। हमारा छोटा मोटा कोई भी फंक्शन रहता है स्कूल में या स्कूल के बाहर भी रहता है, जब भी हम उनको इनवाइट करते हैं दे आर रेडी टू कम एनी टाइम एनी वे, कैसे भी करके वो लोग आ जाते हैं। तो आज भी उन्होंने उनका वो आज उनका ग्राम सभा थी, फिर भी लेट हो गया, फिर भी मैंने जब बोला उनको तो आज वो लोग सब यहाँ पे है, इकट्ठा हुए हैं, तो इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और मैं चाहूँगी कि हर खुशी में वो लोग वापस हमारे जो भी स्कूल का प्रोग्राम है उसमें शामिल होते रहेंगे। इसी तरह धन्यवाद, और मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमारे ये वन भोजन का एक एक्टिविटी रखी है स्कूल पे, जो एक बहुत अच्छी बात है करके, क्योंकि पूरे दिन में पूरे साल में या मंथ में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, तो उनको इस टाइप की एक्टिविटी से थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा, पढ़ाई पे कर पढ़ाई में भी थोड़ा उनका ध्यान बढ़ सकता है, और उनको यहाँ के नॉलेज भी मिलेगा कि आप अगर यहाँ गार्डन में आए हो तो उनके बारे में जानने की उनको नई चीज़ जानने की उनको मौका मिलेगा। मैडम जिस तरह से प्रशासन का यह पहल रहा है तमाम जगह पर शुरुआत से ही रही है, और आज इस जगह पर जैसे दादरा गार्डन में ये प्रोग्राम और कार्यक्रम किया गया, किस तरह से प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे आप इस इन बातों को लेकर? प्रशासन से धन्यवाद देना चाहूँगी का हर स्कूल में ऐसा प्रोग्राम जो है बच्चों को खाने में बहुत रस होता है, और भोजन के लिए बच्चों का मगज का विकास भी अच्छा होता है। तो हमारा जो दादरा स्कूल का टीचर्स है वो बहुत मेहनत करता है, हर महीने में एक बार तो तिथि भोजन का आयोजन करता ही है, और हम लोग को भी वो लोग बुलाते ही है, और हमारी भी हम लोग स्कूल पंचायत और वो हॉस्पिटल सब साथ मिल के हमारे दादरा काम का हम लोग काम करते हैं। स्कूल में कुछ भी काम हो तो टीचर्स लोग हम लोग को बुलाते हैं, हमारे भी पंचायत में कुछ काम होगा टीचर्स को हम लोग बुलाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। इसलिए जो भी वो प्रशासन सर ने वो तिथि भोजन का आयोजन किया वो बहुत अच्छा किया बच्चों के लिए, उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद जय भारत। जी मतिबन किस तरह से तमाम जगहों पर जिस तरह से बात अगर किया जाए प्रशासन का सराहनीय कदम साबित हो रहा है, और तमाम लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इसमें नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों में यदि बात अगर किया जाए दादरा पंचायत की तो खासतौर पर दादरा पंचायत में तिथि भोजन का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सही है, क्योंकि दादरा प्राइमरी स्कूल में 1600 बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के, तो ये प्रोग्राम में हम हर महीने जाते हैं जो तिथि भोजन रहता है। आज का जो प्रोग्राम है तो वन भोजन और तिथि भोजन दोनों मिलके है, तो इसमें जैसे अगर किसी के घर में बर्थडे हो या माता पिता की बरसी हो या कोई भी जो एकदम अच्छा प्रोग्राम हो, तो उसके लिए अगर जैसे बोलते हैं ना कि खाना खिलाने से अच्छा रहता है, भगवान भी उसके पास मतलब दया रखते हैं, तो ये वही दिन है जो हम कभी करना चाहते हैं होता नहीं है, लेकिन आज ये जो हम बच्चे को जो खाना खिला रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुण्य भी मिल जाता है और हमारा एक काम भी हो जाता है, और हम ये जो मिड डे मील से खाना आता है वो बच्चे जो खाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं। तो प्रशासन की मैं वाह वाह करती हूँ, क्योंकि खाना बहुत अच्छा मिलता है और उसमें सुखड़ी और जो लपसी बनते हैं उसका तो कहा ही नहीं जाता, लाजवाब है, इतना टेस्टी लगता है, पूछो मत, हम लोग खाते हैं और हमें अच्छा लगता है। अच्छा खाना बच्चे को मिलता है, मिलना चाहिए, उससे विकास होता है। अपनी तो यही इच्छा है हमारे पंचायत की और दादरा गाँव की कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और भारत देश का नाम रोशन।